एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें कौटिल्य मार्ग पर चाणक्यपुरी के अंदर, जहां अभी गुजरात के अंदर एक जो आक्रमण हुआ जिग्नेश मेवानी पर, वो उसी संदर्भ में राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के तत्वाधान में जिग्नेश मेवानी पर हुए हमले के विरोध में सशक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो जिग्नेश पे जो इस तरीके से हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, उसको लेकर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी कर रही है। जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बर्बरतापूर्ण हमला किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी दोषी हमलावर हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अविलंब उनको जेल भेजा जाए, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है कि हमले की वजह क्या देख रहे हैं आप? लोग घबराए हुए हैं, वहाँ जो बहुजन एकता बनी है, खासकर ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग जो जूझ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है? नहीं, बीजेपी बैकफुट पर नहीं है। बीजेपी इस बार गुजरात में साफ हो जाएगी, इसीलिए उन्हें डर है। और क्योंकि जिग्नेश मेवानी वहाँ पर एक बहुत मजबूत स्तंभ है, बहुजन समाज के बहुत मजबूत लीडर हैं, तो उनसे घबराई हुई है, इसीलिए इस घबराहट में ये जो फासिस्ट शक्तियाँ हैं उन्होंने उस पर हमला किया है। तो आप जानते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और जिस तरह से मोदी जी की और यहाँ से गए उत्तर प्रदेश से गए योगी जी की सभाओं में सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, वो उसकी बौखलाहट इस हमले में नजर आ रही है। क्या मांग है आप लोगों की कि सरकार कहीं ना कहीं, वो कैंडिडेट हैं, दुनिया भर के पत्रकार वहाँ जमा है, कल मुझे जो रिपोर्ट मीडिया विनय यादव बता रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया है जी, बहुत फोकस है जिग्नेश पर, पहली बार एक यूनिटी बनती दिख रही है, बहुजन यूनिटी, तो पुलिस जानबूझकर कहीं नकारात्मक रवैया अपना रही है, सुरक्षा नहीं दे रही है? नहीं, निश्चित रूप से नकारात्मक है, कि कुछ चाहे कुछ भी हो, अभी तक है तो वहाँ पर भाजपा की ही सरकार, इसलिए वो सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, अन्यथा जितने भी दोषी लोग हैं अब तक पकड़ के उन्हें बंद कर दिया जाता, उनको अभी तक इतनी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। हमारी मांग ये है कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, और ये जिस तरह का शासन प्रशासन उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, ढील बरत रहा है, इस सबको तुरंत रोका जाए और उनकी सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया कराई जाए। क्या लग रहा है, ये राज्य सरकार का फेलियर है या आपको लगता है केंद्र से भी किसी तरह की कोई इनिशिएटिव नहीं है? दोनों जगह उन्हीं की सरकार है शायद इस वजह से। बिल्कुल, दोनों जगह उनकी सरकार है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक कोई काम ढंग से करे तो दूसरा भी उसे शायद सपोर्ट करे, लेकिन यहाँ ये है कि जो गलत काम कर रहा है प्रदेश की सरकार, जो गलत काम कर रही है, केंद्र से उसे पूरा समर्थन मिल रहा है। तो ये भानु जी थे राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के, और आप जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद, जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद, जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद, भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद, जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद।